नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बरसात के मौसम के सबसे अच्छे फ्लावर प्लांट के बारे में, जिसका नाम है रेन लिली। यह लगभग 5 से 7 कलर में अवेलेबल रहता है, जो कि जुलाई के महीने से अगस्त के महीने तक आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग देता है। सबसे ज़्यादा खास बात इसकी ये होती है कि ये अपने आप में ही मल्टीप्लाई होता रहता है, तो अगर आप 1 या 2 पौधे मार्केट से लाते हैं तो नेक्स्ट सीज़न के लिए आपको उसमें करीब 100-200 जो पौधे होते हैं वो बन जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर लास्ट ईयर के कुछ प्लांट बचे हुए थे, जो कि मैंने 3-4 लगाए थे, उससे देखे कितने सारे जो इसमें बल्ब हैं वो मल्टीप्लाई हो रखे हैं। तो अब इन बल्ब को मैं अलग अलग कर लूँगा। जुलाई के महीने में फ्लावरिंग पाने के लिए आपको इसको मई के लास्ट या जून के स्टार्टिंग में लगाना होता है, जिससे कि ये जुलाई आते आते इसमें अच्छी ग्रोथ हो जाए और मल्टीप्लाई होकर आपको एक शानदार जो है फ्लावरिंग दे। तो जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने अभी अपने सारे प्लांट को अलग अलग कर लिया है और इसकी जो पुरानी पत्तियाँ थी, जो पत्तियाँ ब्राउन हो चुकी हैं, उनको मैं हटा लूँगा और ये इस तरह से इसको रखकर ऊपर जो इसकी जो ग्रोथ है उसको बीच से हम काट लेंगे, जिससे क्या होगा इसको ग्रोथ करने में आसानी रहेगी और इसमें जो नई लीव्स आएगी वो भी बहुत हेल्दी रहेंगी। और मेरे पास लगभग 2 से 3 कलर इसमें अभी फ़िलहाल हैं, जैसे कि आपका एक तो ऑरेंज कलर है और पिंक कलर है और वाइट कलर है। इनको भी मैं इस तरह से मल्टीप्लाई कर लूँगा और मल्टीप्लाई करने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए जो इसमें बल्ब हैं वो अलग करने के टाइम पर वो टूटे ना और उन्हें किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। रेन लिली को आपको एवरी ईयर जो है नया परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप इसको जिस गमले में लगा कर छोड़ देंगे उसमें ये इजीली जो है साल भर आपका बना रहेगा, लेकिन इसमें जो फ्लावरिंग है वो साल में एक बार ही आपकी जो है अगस्त महीने में बरसात के दिनों में आपको मिलेगी। इसको आप जो है डायरेक्ट सनलाइट में, जहाँ पर आपको डायरेक्ट धूप आती है, उसमें रख सकते हैं। और ये मेरे पास एक पुराना जो गमला है उसमें अभी पिटोनिया लगा हुआ था, तो वो मैंने हटा के इसमें पानी दिया था 2-3 दिन पहले। पानी आपको देना होता है जिससे कि मिट्टी आपको एक अच्छी हो जाए। और इसमें जो है पहले से मैंने खाद ऐड किया हुआ था, तो अभी बस इसको एक टूल की सहायता से इसकी निराई गुड़ाई कर लेंगे, जिससे कि इसको लगाने में आसानी रहे। और जो इसके लिए मिट्टी होती है वो भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा जमा ना हो और ज़्यादा ड्राई मिट्टी भी ना हो। इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद अभी जो है ये रेन लिली की जो बल्ब है वो लगाने के लिए हमारी मिट्टी रेडी है। तो आप ये धीरे धीरे इसमें होल करके हाथ से इसको लगा देते हैं और याद रहे कि इसमें आपका जो केवल बल्ब है वो ही मिट्टी के अंदर जाए, जो इसका जो तना होता है वो ऊपर रहना चाहिए, यानी जो बल्ब का पोर्शन है वो मिट्टी के अंदर जाएगा। तो इस तरह से लगभग 2-3-4 इंच की दूरी पर इनको लगा लेते हैं और ये जो है मान के चलिए कि 1-2 महीने में ही ये मल्टीप्लाई होकर ये पूरा गमला जो है बल्ब से भर जाएगा और इसमें अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और आप एक ही गमले में कई सारे कलर के अगर लगाते हैं तो एक ही गमले में आपको अच्छे अच्छे जो फ्लावर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक अपने गमले में कम से कम 2-3 कलर के ये बल्ब लगाइए। इसकी ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसमें अगर खाद के रूप में अगर वर्मी कंपोस्ट गोबर का खाद या फिर सरसों की जो खली का पानी होता है वो खाद के रूप में आप इसको दे सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर लगाने का समय की बात करें तो जुलाई के महीने से लगभग 1 महीना पहले, यानी जून और मई में, या आपके वहाँ पर अगर बरसात लेट से स्टार्ट होती है तो बरसात के महीने से लगभग 1 महीना पहले आपको इनको लगाने चाहिए, ताकि इसमें बरसात के टाइम में अच्छी फ्लावरिंग आए। लगाने के तुरंत बाद इसको आपको धूप में प्लेस, डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस नहीं करना है। लगभग इसको कम से कम 4 या 5 दिन तक आपको ये सेमी शेड एरिया में या छायादार जगह में रखना होता है। उसके बाद जब ये
इसमें अच्छे से सेट हो जाएंगे, उसके बाद आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में निकाल सकते हैं। तो याद रहे कि आपको लगाने के तुरंत बाद इसको धूप में डायरेक्ट नहीं निकालना है। ऐसे करके मैंने अपना जो सारे बल्ब थे इस गमले में लगा लिए हैं। अब इसको हम पानी दे देंगे और पानी देने के बाद में इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में, यानी जहाँ पर आपकी लगभग दिन की बस केवल एक घंटे की धूप, सुबह सुबह की धूप आती हो, ऐसी जगह पर इसको हम 4 से 5 दिन के लिए रख देंगे। तो अभी तक अगर आपने रेन लिली के पौधे नहीं लगाए हैं तो उनके बल्ब जल्दी से जल्दी मार्केट से लेकर लगा लीजिए, जिससे कि आप उसका जुलाई में अच्छी और शानदार फ्लावरिंग पा सकें। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। गार्डनिंग से जुड़ी इसी तरह की और अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।